पता है धमाकेदार एंट्री, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में डबल धमाका है, क्योंकि दो दो दुल्हन है, दो दो दुल्हन है, तो हमने सोचा यहाँ तो इस फिल्म में इनफैक्ट थंडर दूल्हे का जो है चाचू जान है, चुरा के लेके जाते हैं, दैट्स अनिल कपूर फॉर यू, ही इज लाइक दैट अ पावर हाउस इन द हाउस. लेकिन शादी में ट्रस्ट मी द मेन एंटरटेनर एक्चुअली पंडित होता है, क्योंकि जब तक पंडित थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं बोलता तो वो फेरों में मजा नहीं आता. जितना हमने देखा वाकई ये फिल्म बनाने में, फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टेंशन होती है, लेकिन जितने भी इस फिल्म से लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो सारे टेक्नीशियंस हों, चाहे हमारे म्यूजिक कंपोजर हों, हमारे लेट राइटर हों, सारे आर्टिस्ट, इतना हम लोगों ने इस फिल्म को इन्जॉय किया है. और मुझे यही उम्मीद है कि जितना इन्जॉय हम लोगों ने फिल्म बनाने के टाइम में किया है, उतना ही आप लोगों को भी ये फिल्म देखने में मज़ा आए. मैं जब पहली बार ये कहानी सुना तो मुझे लगा कि यार, मुझे याद आया कि मैं अक्सर जब थिएटर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि कोई कपल्स आए हुए हैं, कुछ अलग लोग आए हैं, बच्चे आए हैं. बहुत कम मैंने ऐसा देखा कि पूरा परिवार जो है वो फिल्म देखने आता है. तो मुझे लगा कि ये वो मौका मुझे मिला है, इस तरह की फिल्म बनाई जा सकती है जहाँ पर पूरा परिवार आए और साथ में बैठ के देखे फिल्म, मज़ा करे और इन्जॉय करे, ये सोचे समझे बिना कि भाई कुछ प्रॉब्लम होनी है, कोई टेंशन होनी है इस फिल्म के अंदर. तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा. और आज जो है ये 8 दिन बचे हैं जब हमारी शादी, हमारी मतलब मेरी तो शादी हुए बहुत ज़माना हो गया, ये जो फिल्म है ये एक शादी से कम नहीं है. जिस तरह शादी के अंदर मस्तियाँ होती है, मजाक होता है, जिस तरह नाच गाना होता है, ये सारी चीज़ें जो है इस फिल्म के अंदर है. तो आज आप सारे लोगों से जो है इस फिल्म के जितने भी हमारा ये पूरा परिवार है उनसे मिलवाना है. और सबसे पहले मैं स्टेज बुलाना चाहूँगा इस फिल्म के जो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त इस फिल्म में उनका काम है, और करदार नाम है उनका, अनिल साहब. अनिल साहब के साथ मुझे लगता है, पता नहीं मुझे याद भी नहीं कितना ज़माना हो गया, तब से मैं उन्हें जानता हूँ. अनिल साहब के लिए मैंने एक फिल्म लिखी थी दीवाना मस्ताना, एक फिल्म मैंने लिखी थी उनकी दीवाना मस्ताना, और दूसरी पिक्चर थी लाडला. फिर हमने काम किया नो एंट्री में, वेलकम में, वेलकम बैक में. और हमेशा मुझे जब भी मैंने सीन लिखे मुझे ऐसा लगता था कि अरे बहुत खूबसूरत सीन लिखा है मैंने, लेकिन जब शूट करते थे हम लोग और उसके बाद जब भी मैंने स्क्रीन पे देखा है तो मुझे लगा कि यार ये सीन उतना खूबसूरत नहीं था उस वक्त जब पेपर पे था. तो मैं हमेशा से उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और दोस्तों के दोस्त हैं. और इस पिक्चर में जो उन्होंने गुदगुदाया है, जो मस्ती की है, तो प्लीज़ अनिल साहब. मुझे हो गया काफ़ी वक्त काम करते वक्त इस इंडस्ट्री में, मगर लास्ट जो लास्ट मेरे जो 20 मेरे ख्याल से हमको हो गए 17-18 साल, जो 17-18 साल अगर मैं टिका हूँ इस इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा हाथ अनिल साहब का है. मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इनकी काबिलियत, इनका टैलेंट, इनकी राइटिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, मैंने बहुत आई बी वेरी फॉर्चुनेट, बड़ा मैं लकी रहा हूँ. मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, के विश्वनाथ, बाबू साहब, सुभाष भाई साहब, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा, इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि डैनी बॉयल हैं और अपना ब्रैड बर्ड हुए. 24 में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फनकारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया. मगर अगर मुझे कहा जाए कि कौन से 2-3 डायरेक्टर हैं जो आपके पूरे करियर में हैं जिनकी वजह से आपको करियर को बूस्ट मिला है, मैं अनीस साहब का नाम लूँगा 100%. तो मैं जब अपनी बुक लिखूँगा तो उसमें अनीस साहब का नाम ज़रूर होगा कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी के बारे में. जनरली कह रहा हूँ, इनकी राइटिंग, यू नो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनीस साहब की फिल्मों में. अगर आपको लग रहा हो कि बहुत मेहनत करता हूँ, इनकी राइटिंग, इनकी डायरेक्शन, इनकी सेंस ऑफ कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग जब सेट पर आते हैं, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि
इन्होंने हमें सीन जिस तरह ये पढ़ते हैं हमको पढ़कर सुनाते हैं और हम लोग एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं। मैं तो अनीस वजवी साहब को कॉपी करता हूँ, कितनी बार मैं अटक जाता हूँ, अनीस साहब आप बोलकर बताइए कैसे बोलना है। तो अनीस साहब मुझे अनीस साहब बोलते हो मैं एग्जैक्टली वैसा मैं कॉपी करता हूँ। जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और इनकी बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से 99.9% सारी कामयाब रही हैं। एंड आज मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुबारक, अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा और आप सब ने चाहा, जनता ने चाहा, तो ये इनकी बेस्ट फिल्म होगी। थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स कॉल द दुल्हन द दुल्हन ऑन द स्टेज बिकॉज़ इट विल बी अधूरा विदाउट देम। हेलो हेलो, ये दिन है काम है। दोनों भाई थैंक यू वेरी मच बोलो वो ये इस थोड़ा सा हाँ नहीं सर इसको जरा रिसीव करते ना यार, थोड़ा ग्लैमर है। हम लोग दोनों की फोटो को खींचने नहीं वाला, हम लोगों को देख देख के लोग पक चुके हैं बहुत सालों से। कहा नहीं नहीं ये हमारी पहली इंट्रोड्यूसिंग अनीस बाजपेयी एंड अली कपूर और अपना दीवाना मस्ताना नो एंट्री वेलकम वो सब बहुत पुरानी बात है। ये वो हमने बचपन में की थी, जवानी की हमारी ये पहली थी। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेव्यू माय भतीजा हूज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस फिल्म, बहुत ही कमाल का काम किया। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने जिस तरह इन्होंने डबल रोल निभाया। और बड़ा जेलस था मैं इसलिए, आई वाज सो जेलस। पहली बार मैं साला सड़ा, जबरदस्त सड़ा जब मैं चंडीगढ़ गया था। इन्होंने बोला, मुझे बोला था मेरे को सीनियर बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं इन लोग सब कि सर आप आइए जरा क्लैप वैप दीजिए। तो मैं क्लैप देने पहुंचा चंडीगढ़ में और मैंने देखा कि अर्जुन आ रहा है चरण बनकर, उसने जबरदस्त पग पहना हुआ है। बहुत 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 से सरदार आए हैं, सिख्स आए हैं, यू नो सरदार जी साहब आए हैं। और ऐसा मैंने जब मैंने देखा, मैंने भाई मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, मेरा करियर सिक्योर है, ये पिक्चर मुझे लगता है कास्टिंग परफेक्ट हो गई है। तो मैं अपने भतीजे चाहूँगा कि अर्जुन यहाँ स्टेज पर अपनी गर्लफ्रेंड जो उनके साथ में शादी करना चाहता है, अपनी गर्लफ्रेंड की वैसे भी मैं शादी जल्दी कराने वाला हूँ, मैं चाहूँगा कि वो जल्दी आए अपनी गर्लफ्रेंड जो जिनके साथ ये शादी करना चाहता है। और हम दोनों ने बड़ी कोशिश की है कि इनकी शादी, मुझे लगता है पहले अर्जुन जो है वो आ जाए, उसके बाद वो खुद ही बुलाए। नो 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 नो, ये थोड़ा कैमरा आना चाहिए, तो हमारी फोटो नहीं छपेगी, अर्जुन की भी नहीं छपेगी। नहीं इतने लोग ऐसे तो मेरी तारीफ तो नहीं होगी, तो कन्फर्म मेरी शादी हो रही है। जी हाँ मेरी शादी हो रही है 28 जुलाई को, आप सब प्लीज आइए आशीर्वाद देने। मेरे जो दोनों किरदार हैं वो शादियां कर रहे हैं, मैं नहीं। अनिल चाचू ने हंसी मजाक पे इतना कह दिया कि आपको सच में अफवाह बन चुकी है कि मैं सच में बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप वेरी वेरी हैप्पी आप सब यहाँ आए। ये इवेंट हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था, हम चाहते थे कि ये खुशी का मौका आप सबके साथ शेयर कर सकें। हमने बहुत प्यार से बनाई है। आई थिंक अनीस सर और अनिल चाचू की जो जोड़ी है वो सच में लोगों को एंटरटेन करते आई है। और हम तीनों आई कैन स्पीक ऑन ऑल द टीम्स बिहाफ, वी वांट टू कंटिन्यू एंटरटेनिंग इंडिया, मेकिंग देम स्माइल, मेकिंग देम लाफ। एंड देयर इज नो बेटर टीम लीडर देन अनीस बाजपेयी फॉर दैट। एंड आई थिंक अनिल चाचू के साथ मैं जितना बोलूँ मुझे कितना मजा है वो सब तो मैं बोलूँगा, लेकिन आई थिंक दिस फिल्म वुडंट बी पॉसिबल विदाउट दीज टू पिलर्स वो एक्चुअली लेड द फाउंडेशन फॉर दिस फिल्म टू कम टू लाइफ। और अगर आपको कभी पसंद आएगी पिक्चर तो ये दोनों शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो प्रोड्यूसर की टीम है उन सब के साथ साथ ये दो जो शख्स है दे आर द फाउंडेशन ऑफ दिस फिल्म कमिंग टू लाइफ। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर एंटायर टीम एंड अनीस सर एंड अनीस। हाँ अभी चले जाना चाहिए इसके पहले कि लोग बोर हो जाए हमारी बातों से। थैंक यू थैंक यू। अरे बात ये तो बताओ कि जो तो आ गए मेरे भांजा कब आएगा? भतीजा भांजा ने बोला कि दोनों चरण तो आ गया अभी। चरण चरण को कैसे बुलाया? मैं जेलिस क्यों हो रहा मेरे से सर? मैं बहुत जेलिस हूँ, बहुत बहुत जेलिस हूँ। योर सामना मिलेगा।